प्रणाम देवगण, पुत्र गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे, मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। आज आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया, इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही जाऊंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए, मैं भी जाता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंट कर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है, इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है। यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं नहीं, एक शेष है गजानन, और गजानन गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी। रुक गए गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता हूंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में अब तक के लिए व्यवस्था की उसका तो आनंद उठाइए। हाँ।
कितना अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव, कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे पूर्व की दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। चंद्रदेव, आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। तापमान इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे, छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ, छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए। जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। अरे रुक जाइए रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी, क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको, आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुँच गए तो फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए, ये देखिए तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो। Thank you.
केतु। चंद्रदेव आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा, सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण? और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी ये प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है, ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। चंद्रमा के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। राहु केतु अर्थात शीश और धर पृथक होते हुए भी है तो एक ही। रुक जाइए भैया, जहाँ सुई से कार्य हो जाए वहाँ खड़क चलाने की क्या आवश्यकता। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी तनिक आगे चलिए, अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। अब समझा कौन है आप। मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है, आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था,
जिसके कारण स्वयं श्री हरिनारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु केतु? और अमृत पान के कारण आपको नवग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी, इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग है आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालक? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? तुम्हारी बुद्धि का जाने, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे गजानन, अरे बास, अरे अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है, जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे, ये तो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो निकल गए, तो मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो, चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन, आज आपने मुझे और मेरे लोग को एक बड़े कष्ट से बचा लिया। आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए चंद्रदेव। अरे मुश्किल।
मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? आ, 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 ये किसकी काली छाया है? केतु जी अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ, जाने दीजिए मुझे, मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा जाना चाहते हो ना, जाओ जाओ जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु आगे नहीं पढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। अब तक तो तुम्हारा वाहन लौट कर कैलाश पहुंच गया होगा। अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? प्रभु! अब तक तो तुम्हारा वाहन लौट कर कैलाश पहुंच गया होगा। तो अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? स्कंद इंद्र सहित देव सभी आए, मंगल को पहुँचे व मूंगा को पाए। बुध से तत्पश्चात पन्ना ले आए, पुखराज रत्न देव बृहस्पति से पाए। शुक्र पहुँचे शुक्राचार्य से मिले सब, देख यहाँ सबको अचंभित जो थे तब। राहु केतु को सुमुख ने छकाया, देवों ने हीरा सुगमता से पाया। संकट तो गया है टल, अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं, किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है? इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना, तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे इस मूषक का भार
सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे भूषण मेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहू जी को सीख दे ही दीजिए। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। अरे बाला, अरे बाला, क्रीला करते का कत्तुम नहीं मैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहुल जी, लौटिए यहाँ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे। हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी भवा। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है।
गजानन कहाँ चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन भाई, गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं। सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला, आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा। अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। मधुरतम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में, ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, आप भी संभालिए अपने अनुज के संगीत को, मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले गए, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं, इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे, इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। आ, 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 आ।
नारद क्षमा याचित प्रभु, इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित, किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीर सागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने। देव सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन रावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी। ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी, बुआ जी। तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं बुआ जी? और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी? दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा। प्रणाम श्री जय हरिनारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु, आप हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है, अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ, अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है, सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का शीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ निसंकोच, कहो क्या चाहिए। अरे मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भराई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ, क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, जितना चाहो दुग्ध पान करो। अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। बिना विचारे किसी भी प्रकार का वचन किसी को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे, इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक, कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। नारद आश्चर्यचकित, अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं। क्यों गए?
हाँ मूषक जी, माँ के ये पुष्प तो हमारे लिए प्रसाद के समान है। इनको लांघकर आगे नहीं जा सकते हम। गजानन, विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते। शीघ्रता करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ है गजानन को? प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन। अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन। हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते। शीघ्रता कीजिए गजानन, शीघ्रता कीजिए, पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता। धन्यवाद सोमजी। मूषक जी, अब आप भी आगे बढ़िए। ये क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया? कैलाश में प्रवेश करने ही वाला हूं और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही हैं। गजानन कहां रह गए? अभी तो पीछे था, किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे। इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया, ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। विजेता।
कार्तिकी है, वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन, आश्चर्य है, अद्भुत गजानन। माँ पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए, और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते, कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोग से बाहर आई थी, वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्यलोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है, तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की, उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली।
गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओ हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो, प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव, अब प्रथम पूज्य, प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है और वो विजेता है गजानन। गजानन किंतु प्रभु ये तो अनुचित है। हाँ हाँ अनुचित है ये, हाँ हाँ अनुचित है प्रभु, वो तो यहां से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। अनुज गजानन को विजय घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर, सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेव।